दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है इंटरेस्ट की। आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये तो मुझे पता लग गया है कि आप लोगों का इंटरेस्ट है इस वीडियो को देखने में या फिर अपने करियर को बनाने में, अपनी जो हैबिट है उसको चेंज करने में। दोस्तों मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टू मंत्रा। तो ये वीडियो जितनी भी बड़ी बनेगी, ज्यादा बड़ी मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं, बट आपको ये वीडियो लास्ट तक देखने। मैं इस वीडियो में वो पॉइंट डिस्कस करूंगा जिससे हो सकता है कि आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाए। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है एक हैबिट में। जनरली ये प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स की भी या फिर खुद स्टूडेंट्स की भी कि वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अक्सर पेरेंट्स को ये बोलते हुए देखा गया है कि वो ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे में माइंड तो बहुत है, दिमाग तो बहुत है, बट पता नहीं क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर माइंड बहुत है तो पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? सिर्फ एक रीजन है, इंटरेस्ट, या वो एक सही हैबिट जो अभी तक क्रिएट नहीं हो पाई। देखिए पूरा खेल हैबिट का है कि आप लोगों ने किस टाइप की हैबिट बना रखी है। पूरा खेल हैबिट का है। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हैबिट को कैसे क्रिएट करें। भाई अगर कोई ये शिकायत करता है कि भाई मेरा पढ़ाई में माइंड नहीं है बट मेरा गेम खेलने में बहुत तेज दिमाग चलता है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता बट मेरा गेम बाकी की चीजों में, फिल्म देखने में बड़ा माइंड चलता है, बातें करने में बहुत ही स्मार्ट हूं बट मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। माइंड है भैया, उसको आप यूज करना होता है, कहां पे यूज करना है कहां पे नहीं यूज करना है। देखिए स्टूडेंट अबो एवरेज हो या बिलो एवरेज हो या एवरेज हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि वो मेहनत कितनी कर रहा है, हार्डवर्क कितना कर रहा है और उस चीज को सीखने के लिए उसके पास में कोई रीजन है या नहीं है। मैं आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आपसे, आप इन पॉइंट्स को एक बार अपनी लाइफ में यूज करके देखना और फिर मुझे बताना कि इससे कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। सबसे पहला पॉइंट, आस्क योरसेल्फ द पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है, क्यों पढ़ना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो खाली क्लास पास करने के लिए पढ़ना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लाइफ को बहुत आगे ले जाने के लिए पढ़ना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं कि यार मैं तो एडमिशन दिला दी यहाँ पे इसलिए पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना पर्पज सेट कीजिए कि आप किस पर्पज के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, पर्पज जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नंबर दो पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि पर्पज आपको सेट करना है। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये फर्स्ट वाले पॉइंट से ही रिलेट करता है कि पर्पज तो हमारा हो गया सेट कि भाई हमें बहुत सारे मार्क्स लाने हैं, बड़ी जॉब पे आपको जाना है, कोई अपना बिजनेस करना है, वॉट एवर आपको कुछ भी करना है। अब जिस जो भी पर्पज आपने सेट किया है उसमें कोई ना कोई तो आपको ये भी दिखता होगा कि सबसे हाईएस्ट कौन है, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेटिव में कोई ना कोई बंदा तो ऐसा होगा जिसको आप देखते होंगे कहते होंगे यार इसने बड़ी मेहनत की, ये बहुत आगे है। वो जो बंदा है भले आप उसको पसंद करते हो या ना करते हो, वो आपका दोस्त हो या आपका दुश्मन हो, उसका ना फोटो अपने कमरे में लगा लो। आते जाते घूमते फिरते हर टाइम आप उसको देखो, उसके बारे में सोचो और आपका टारगेट होना चाहिए कि इसने इस एज तक जितना पैसा अर्न किया है या फिर इसने जितनी भी शोहरत आज तक हासिल की है, जो भी इसने गेन किया है, मुझे उससे 10 गुना 100 गुना 1000 गुना मुझे चीजें अर्न करनी है। ये चीज आपको सबसे प्रायोरिटी पे करनी है। पर्पज तो सही बात है, पर्पज तो आपको सेट करना ही है। दूसरा, उस पर्पज को और ज्यादा फोर्स देने के लिए, और ज्यादा उसको ताकत देने के लिए आपको क्या करना है, उस बंदे की फोटो, उस इंसान की फोटो आपको अपनी दीवार पे लगा देनी है। घर वाले चाहे मना करे या ना करे, उस पे ना लगा पाए अपने फोन में रखो उसकी, आपको उसका वॉलपेपर सेट कर लो, जैसे भी हो सकता है आपको हर घड़ी वो इंसान दिखता रहना चाहिए। जिससे क्या होगा कि इससे आपके माइंड में अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी लूज पॉइंट आता है उसको देख के एकदम से पॉइंट आपके टाइट हो जाएंगे। करके देखना बिल्कुल। अमूमन क्या करते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, पहले वो पढ़ नहीं रहे, फिर एकदम से उनको ऊपर फैमिली वालों का प्रेशर आया, पढ़ो 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 पढ़ो, तो वो क्या करते हैं, ले भाई बना दिया टाइम टेबल, 5 घंटे का टाइम टेबल बना दिया, 10 घंटे का टाइम टेबल बना दिया, 8 घंटे का टाइम टेबल बना दिया, इतने बजे ये पढ़ना है, इतने बजे ये पढ़ना। एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3rd दिन नहीं पढ़ पाएगा। समझो इन चीजों को कि भाई अगर आप एक ही दिन में सब कुछ कर लेंगे कि भाई मुझे एक बॉडी बिल्डर बनना है, तो एक ही दिन में आप 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जाके एक्सरसाइज कर दोगे और बहुत सारा आप खाना प्रोटीन वगैरह खा लोगे, आपको क्या लगता है कर लोगे? नहीं हो पाएगा, वो आपको और उल्टा
कुछ ना कुछ हार्म करके जाएगा। आपको स्टडी स्टार्ट करनी है, आपको हैबिट क्रिएट करनी है, न कि अपने आप को हार्म करना है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अपने जो गोल है ना उसे छोटे छोटे सेट करो। कोई बात नहीं, आप 5 घंटे का मत बनाओ, आप 10 मिनट का बनाओ, आप आधे घंटे का बनाओ। आधे घंटे मुझे पढ़नी है, ये चीज पढ़नी है, और उसको पढ़ के ही हटना, और मन से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी करने के आधे घंटे तो बैठ गया, आधा घंटा इसके बाद में एकदम से उठ गए, नहीं नहीं ऐसा नहीं। बिल्कुल आपको जो करना है अपने माइंड को ये समझाओ। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि हम ना अपने माइंड को थोड़ा सा बेवकूफ बना सकते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अपने माइंड को ये बोलो कि केवल हमें 30 मिनट पढ़ना है या हमें 15 मिनट पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। 15 मिनट पढ़िए, रख दीजिए, फिर 15 मिनट पढ़िए, फिर रख दीजिए, 15 मिनट पढ़िए, रोज डेली का यही काम कीजिए। अपने आप 15 के बाद में आप 20, 20 के बाद में 30, 30 के बाद में 40, और कब 1 घंटा 2 घंटे हो जाएंगे पता भी नहीं लगेगा आपको। तो अपने गोल जो है ना आपको छोटे छोटे आपको सेट करने हैं। इसके बाद में जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो आता है कंपनी। कंपनी डज मैटर। अब आप हो तो एक स्टूडेंट, आपको टॉपर बनना है, आपको एक बिजनेसमैन बनना है, और आप रह किन लोगों के साथ में रहे हैं जो पूरे दिन वेब सीरीज देखते हैं, पूरे दिन खेल की बातें करते हैं, पूरे दिन बाहर बैठ खड़े होके, कॉलेज के बाहर खड़े होकर सुट्टा मारते हैं, इधर उधर जाते हुए पे कमेंट करते हैं, उन लोगों के बीच में रहते हैं। आपको लगता है कि आपकी ये सारी चीजें काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी, लिख के ले लीजिए, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। आपको सबसे पहले अपनी कंपनी चेंज करनी है। भले ही आप चलो आज बिल्कुल बिलो एवरेज हो, पढ़ाई में आपका बिल्कुल मन नहीं लगता, बट आपके मन में ये चीज है कि यार मुझे पढ़ना जरूर है। अगर ये बात आपके अंदर है ना तो आप कर लोगे। तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी चेंज कीजिए। आप उन स्टूडेंट्स के बीच में रहिए, उनको अपना दोस्त बनाइए जो पूरे दिन पढ़ाई की बात करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ उनके साथ रहना है। वो जो कर रहे हैं उनके साथ उन्हें देखो, जो कर रहे हैं करने दो, वो काम कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, उनके पास बैठो, उनसे उनके पास बैठो, उनके पास बैठ के पढ़ने की कोशिश करो। धीरे 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 अपने आप आपका मन चेंज होने लगता है। देखो सीधी सी बात है, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूं। अगर आप किसी कोयले की दुकान पे जाओगे, वहां पे टच नहीं करोगे कोई भी चीज, बट जब आप बाहर आओगे कहीं ना कहीं आपके फेस पे, आपके कपड़ों पे, आपके हाथों पे कालस लगी मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको कोयले का रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा। अगर आप किसी परफ्यूम की दुकान में जाओगे, भले आप कोई चीज टच ना करो, तो वहां से आप खुशबू लेके आओगे। तो एक कंपनी मैटर करती है। कंपनी, किस कंपनी के अंदर आप रह रहे हो, किस सोसाइटी में आप रह रहे हो, किन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, ये चीजें डिपेंड करती है कि आप क्या, किन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको अपनी कंपनी भी चेंज करनी है। मैंने क्या क्या बताया, आपको अपना पर्पस सेट करना है, जिसको आपको डिफीट करना है, जिसको आपको पीछे निकालना है, जिससे आगे आपको निकलना है, उसका फोटो अपने फोन के वॉलपेपर पे या अपने घर की दीवार पे कहीं पर भी आपको उसको लगाना है। तीसरा, आपको अपने जो टारगेट है वो छोटे छोटे आपको सेट करने हैं, और आपको एक सबसे बड़ी बात, आपको अपनी कंपनी चेंज करनी है। जब तक आप अपनी कंपनी चेंज नहीं करोगे, हैबिट क्रिएट नहीं होगी। और एक बार हैबिट चेंज हो गई, मैं खाली पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज में, किसी भी आपको पर्पस करना है, आपको स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको पढ़ाई की हैबिट डालनी है, आपको किसी भी चीज की हैबिट डालनी है, आपको ये सारे चीजें आपको करनी पड़ेगी। अगर कोई भी चीज इसमें से आपने मिस की, तो दूसरी चीज जो आप कर रहे हो वो भी काम नहीं करेगी। जैसे कि आपने पर्पस तो सेट किया, बट किसके जैसा या किससे आगे निकलना है वो आपने सेट नहीं किया, तो नहीं बन पाएगा। क्योंकि पर्पस तो है आपका, बट आपका टारगेट जो है वो आपसे बहुत दूर है। आपने सारी चीजें की, बट आपने कंपनी जो है वो एक बेकार कंपनी आपने चुन ली, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? देखिए, मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूं। मैं भी एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, और मैं भी पढ़ाई में कोई ज्यादा खास 30 मार्क का नहीं था, बट मेरे अंदर एक ये था कि मुझे चीज करनी है। और आज मैं दिल्ली के अंदर बैठ के, इसी टेबल पे बैठ के, मैं लाखों रुपए महीना कमाता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक जुनून, एक होना चाहिए, एक पर्पज सेट किया कि इससे आगे मुझे निकलना है, उसका फोटो मैंने सेट किया, और क्या क्या मुझे करने हैं उसके छोटे छोटे गोल्स मैंने सेट किए, और आज ये कंडीशन है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो ये एक मुकाम है जहां तक आपको आना है, और आगे भी मुझे पता नहीं कहां तक मुझे जाना है, वो
मेरे माइंड में है, आगे आपको पता लगेगा धीरे धीरे जैसे आप हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे। तो ये सब चीजें आपको रेगुलरली करना, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन या इसका क्या रिजल्ट निकला या क्या आपको इससे बेटर कोई एडवाइस चाहिए वो जरूर हमें लिखिएगा। और वीडियो को भैया थोड़ा सा देख लीजिए, लाइक वाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।